नोएडा के सेक्टर 11 में आयोजित इस विचार गोष्ठी के सम्मानित सभापति महोदय, उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, हमारे वरिष्ठ नेता समाज सेवी आदरणीय केसी पिपल साहब, आदरणीय विजय प्रेमी जी, इंतखाब साहब, एआर अकेला जी, सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, बहुत मैं साधुवाद देना चाहूंगा आदरणीय अर्चना जी का कि उन्होंने इस समय भिन्न भिन्न किस्म के राष्ट्रों का विचारों का समाज एक दिग्भ्रम की स्थिति में है। ऐसे में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सके। और सुबह से मैं सुन रहा हूं करीब 20 वक्ताओं ने यहाँ पर आकर के अपने ख्याल रखने का काम किया है। साथियों, कभी बीच में एक जनरेशन गैप, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में कुछ बातें हुई। मानवर कांशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए, जिस पंजाब की धरती ने संत श्रोमणि गुरु रविदास को इतिहास में जिंदा रखा। गुरुवाणी ने ऐसा मानवर कांशीराम साहब भी मानते थे कि सनातन धर्मियों ने तो संत रविदास के इतिहास को समाप्त ही कर डाला था, परंतु गुरुवाणी ने उनको जगह दिया और आज सिख पंथ में संत श्रोमणि गुरु रविदास को एक गुरु के रूप में मान्यता है। पर जब मानवर कांशीराम साहब इस देश के ब्राह्मणवाद से लड़ने के निकले तो उन्होंने महसूस किया अपने आइकॉन, अपने आदर्श पोस्टर में जो जगह दी तो वो उठाते हैं ज्योतिराव फुले से, पेरियार रामा स्वामी नायकर, छत्रपति साहू महाराजा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, नारायण गुरु तक आते हैं, जो उनके द्वारा डिजाइन किया हुआ पोस्टर है। बाद में हमारी स्वतंत्रता है, हम जोड़ सकते हैं, हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी फ्रीडम। पर जो बहुजन समाज बनाने का लक्ष्य उनके दिल दिमाग में था तो उसमें उन्होंने सावधानी बरती कि हमें मैसेज क्या, चूंकि लड़ाक को यह भी ध्यान रखना है कि आपका पंगा किससे है। आपका पंगा है जो शैतान से है और बीच बीच में बात बात में आपको एक एक घरौंदे में बांटने का, आपके आंदोलन को डिवाइड करने का कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि मानवर कांशीराम साहब ने कोई भूल बस नहीं, पर बहुत ही सम्यक विचार करके अपने द्वारा डिजाइन किए गए पोस्टर में उन महान पुरुषों का चित्र रखा जिसमें कि बहुजन समाज बन सके और मेरे ऊपर कोई जातिवाद का आरोप ना सके। मेरे ऊपर जो लोग मुझको तोड़ना चाहते हैं, तोड़े रखना चाहते हैं, उनको कोई हथियार ना मिल सके कि कांशीराम चमार है और ये चमारवाद ही चलाना चाहता है, तो ये
साथियों ने प्रकारांतर से आके बातें कही भी। एक साथी ने तो आके कहा भी कि आप बना नहीं सकते हैं। इसलिए साथियों मैं भाई रवि गंपत जी की बात का सम्मान करते हुए मैं बुजुर्गों से चाहूंगा कि बेटे का एक प्रस्ताव है और मुझे लगता है कि प्रस्ताव के सीमा तक हमारे बुजुर्गों ने आज की बात को सुना, पर जब फेर क्रिएट हो गया, भय उत्पन्न हो गया तो उनको उठ के खड़ा होना पड़ा। चूंकि यहां बलिष्ठ हैं, नौजवान हैं और कहीं ना कहीं अंतर मन में भाव गया कि कहीं अभी ये प्रस्ताव है और प्रस्ताव में ही विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन तो यहां जाएंगे और कहेंगे कि हमने बात रखी थी, प्रस्ताव पास हो गया था, सबने मंजूर कर लिया था। बुद्ध विहार की गरिमा को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के रूप में ही और निश्चित रूप से, और जो मुझे ज्ञात है तो बुद्ध ने भी अपनी मूर्ति के लिए नहीं कहा है, ये तो हमारा एक आग्रह है ये बात के, और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, उसके नुकसान भी हमारे सामने हैं कि हम वो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मेरी मूर्ति मत लगाना, अम्बेडकर बात को चलाओ, अम्बेडकर को गाड़ो मत, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मानवर कांशीराम साहब ने। पर हमारा आग्रह है, हम आए कहां से, ये 2000 साल का जो हमारा जीवन है, संस्कार है, वो आए तो ब्राह्मणवाद से ही है, वो हम आग्रह कर ही डालते हैं। इसलिए मैंने बात, चूंकि भोजन भी चालू हो गया है, काफी लोग भोजन पे हैं, तो बहुजन समाज से भोजन समाज, तो मैं समझता हूं कि अभी वो भोजन करके नीचे आएंगे और माहौल थोड़ा गर्म हो गया था तो मैंने ये बात शुरू में ही कहना जरूरी समझा। समाज साथियों, देश भर में लोग चिंतित हैं और निश्चित रूप से नुकसान हुआ है आंदोलन का, इसमें कोई डाउट नहीं, ये कोई संदेह नहीं। हमारे अपनी गलतियों से आंदोलन का नुकसान हुआ है और आंदोलन का नुकसान होने के कारण संघर्ष रुका है और संघर्ष रुकने के कारण दुश्मन निर्भय हो गया है, ढीठ हो गया है और बहुत ही उच्छृंखल हो गया है। आज सभी गांव से आते हैं, साइकोलॉजी को बुजुर्ग लोग बहुत जानते हैं, मनोदशा को, मनोविज्ञान को, अनुभव से, मनोविज्ञान पढ़ा नहीं आपने पर अनुभव से आप जानते हैं, चोर जाता है गांव में चोरी करने तो कंकड़ी फेंकता है, कंकड़ी इस बात के लिए तोड़ लेता है कि लोग जाग रहे हैं कि नहीं। अगर उनको इस बात का, चोर को आभास हो जाता है कि लोग जाग नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, तो फिर चोरी करने के इरादे से घर के अंदर घुस जाता है, माल चोरी करके बाहर आ जाता है। अगर जाग हो जाती है, आहट हो जाती है तो वो भाग खड़ा होता है। ये सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सुषमा स्वराज ने कोई भूलवश या प्रकारांतर से या संदर्भवश नहीं कहा कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, जानबूझ करके कहा, इरादतन कहा। उन्होंने जाना कि लोग सो रहे हैं। अभी एक महीना पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यार अंतुले है, क्या नाम, हेगड़े, अनंत कुमार हेगड़े, तो अनंत कुमार
जनादेश ही मिला है संविधान बदलने के लिए, ये भी वो टोल ले रहे हैं। चूंकि जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा, दिखाया भी कि संविधान का मसौदा बना डाला है नए उन्होंने, और बदलने की पूरी तैयारी है। अब वो कितने अथेंटिक हैं ये बातें, पर हवा में बहुत सारे विचार फैल रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आज आवश्यकता है, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सर्व स्वीकार परिकल्पना पेश की। चूंकि सर्वजन हो नहीं सकता, व्यवहारिक है, दुनिया की किसी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता संभव नहीं है। सर्वजन माने तो फिर चोरों की भी स्वीकार्यता है, हत्यारे की, बलात्कारी की, डकैतों की भी स्वीकार्यता है। तो इसलिए सर्वजन संभव नहीं है, लोकतंत्र की मूल अवधारणा के खिलाफ है। और ऐसा नहीं है कि मायावती से बातें कही नहीं गई। बहुत लोगों को भ्रांति है कि बहन जी से कहा क्यों नहीं। अरे क्या अखबार में स्टेटमेंट देके इंडियन एक्सप्रेस में कहते उनसे? मैं समझता हूं मुझे पक्की जानकारी है, हमारे सामने की बातें हैं, और हम लोगों ने खुद, हाँ उनको हमने बहन माना है, बहन की मर्यादा के साथ कहा है, उनका कालर पकड़ के नहीं कहा जो रवि घोषाल जी की आकांक्षा है, पर मर्यादा के तहत कहा गया, सारी बातें कही गई हैं। वो नहीं मानी है तो उसी से डाउट क्रिएट होता है कि कहीं इरादा कुछ और तो नहीं है। ये बड़ा गंभीर डाउट है, गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है कि इरादा कहीं और तो नहीं, कुछ और तो नहीं। उस इरादे की खोजबीन करना, छानबीन करना, पड़ताल करना समाज के सामने। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक उत्तरदायित्व है कि हम उस बीमारी के बारे में, जैसे मुझे अर्चना जी को रात में 104 डिग्री फारेनहाइट का बुखार है, तो सवेरे होते होते जाना लगे, कपकपी लगे कसके, तो एक संदेह पैदा होगा कि कहीं मलेरिया तो नहीं। अभी पक्का नहीं हुआ है कि मलेरिया है, पर एक संदेह आया है कि मलेरिया है। तो उसके लिए हमने व्यवस्थाएं निर्मित की हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पैथोलॉजी में का 5 ml खून निकाल करके भेजेगा, पैथोलॉजी स्पष्ट करेंगे कि हाँ मलेरिया ही है। संदेह जांच पड़ताल की ओर ले जाता है, जांच पड़ताल के बाद भरोसा फेर की ओर ले जाता है। तो जो संदेह की यात्रा है वो विश्वास तक आते हैं उसका लक्षण है, उपचार उसका सेकेंडरी है। उपचार तो बहुत आसान है, इसलिए ये बातें हम लोगों ने उनसे कही हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम रोकने के लिए उन तक के यहां तक गए और भरपूर कोशिश किया, वो हमारे मित्र हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, हमने उनके कोशिश किया, कहा, ललकार के कहा कि आप समुंदर में जा रहे हैं, डूब जाएंगे वहां, और ऐसा क्यों घबरा रहे हैं कि आप जीतना ही जरूरी है। अरे कुछ हारने की भी तैयारी कीजिए, समाज को रास्ता दिखाइए। आरपी मौर्य जी, मैं कहना चाहूंगा ये बातें हुई और शायद आप CMS के हॉल में कह रहे होंगे, हम थे वहां, पर वो नहीं माने। अब मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि मैं बुरा फंस गया, यहां तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। इसलिए साथियों, मैं और विषय को विस्तार में ना ले जाते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज बनाने की परिकल्पना, हमारी प्यास, हमारी तड़पन ये बहुत पुरानी है, और हमारे सभी महान पुरुषों और दुश्मन जो जीता है हमारे ऊपर, आश्चर्य कि देश हमारा, मूल निवासी हम, राजसत्ता हमारी थी और हम गुलाम हो गए और बाहर से आए हुए लोग शासक हो गए, ये आश्चर्य।
तो जो चार कारण हैं आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, उनमें से एक बड़ा कारण है जातियों में तोड़ा जाना। 6000 जातियों में तोड़ करके भारत के मूल निवासी शूद्रों को द्रविड़ों को परास्त किया गया। के तीन कारण और है, शिक्षा रोकी गई, धन संपत्ति संग्रह करने से दंडनीय अपराध घोषित किया गया, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना हमारे लिए कानूनन अपराध घोषित किया गया। वो तीन कारण और है, पर बड़ा कारण है। तो इसलिए हमारे सभी महान पुरुषों की हम ऐसा देखते हैं कि उनके प्राणों की प्यास है बहुजन समाज बनाने के लिए, अथक कोशिश किया। जहां जहां जिस जिस इलाके में बहुजन समाज बना वहां हम कामयाबी के झंडे गाड़ने में कामयाब हुए। 1848 से एक संगठित प्रयास, सुनियोजित प्रयास, मैं समझता हूं कि 170 साल पहले, आज 2018 है, 170 साल पुराना संघर्ष है ये। और बहुजन समाज की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि हम सेपरेट इलेक्टोर को खो बैठे। 18 अगस्त 1932 को जो कमीना निवार्ड के माध्यम से सेपरेट इलेक्ट्रोल की व्यवस्था आई, जिससे हमारे निर्भीक निडर एक्चुअल डेलीगेट हमारे जा सकते थे असेंबली में और पार्लियामेंट में, हमारे असली नेता चूंके जा सकते थे। गांधी जी के दुराग्रह पूर्ण सत्याग्रह, भूख हड़ताल और आमरण अनशन ने उसको असफल बनाया और 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर को इमोशनल ब्लैकमेल करके मजबूर करके और पूना पैक्ट हमारे सामने है। पूना पैक्ट आने के पश्चात आप सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं जीत सके। 3 चुनाव महाराष्ट्र से लड़े और वो कामयाब नहीं हो सके, तो बंगाल के चंडालों ने उनको जिता करके पार्लियामेंट के लिए, संविधान सभा के लिए भेजा। क्या कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत भी चुनाव नहीं जीत सकी? उनके त्याग बलिदान अपने बेटे खो चुके, अपनी धर्म पत्नी के बीमारी से वो लगातार लड़ी रहे थे, तो उनके त्याग बलिदान में कोई खोट कोई कमी ना होते भी बाबा साहब अम्बेडकर नहीं जीत सके। तो मैं समझता हूं दो कारण कि उस समय बहुजन समाज नहीं बन सका और लोग अपने वोट की कीमत को नहीं जान सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने महसूस किया कि हम पहले पावर को जब तक सड़क से बिजली से डेवलपमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेट करेंगे, विकास से रिलेट करेंगे, तो वोट हमारा बिकता रहेगा। पर अगर बैलेंस पावर को हम सेल्फ रिस्पेक्ट से इज्जत से रिलेट करें, अगर हम अपने वोट की ताकत को इज्जत के साथ जोड़ सके, इज्जत के रूप में परिभाषित कर सके, तो फिर हमारा वोट नहीं बिकेगा। ऐसा मानवर काशीराम साहब ने करके दिखाया और हम लोग उनके साथ, मैं 16-17 साल की उम्र का था, एक बधुआ मजदूर के घर में मैं पैदा हुआ। एक मेरे अभी एक साल पहले ही मेरे पिताजी 103 साल की उम्र में वो चल बसे। उस दिन मैं सहारनपुर में था, तो पर एक ऐसे घर में हम जन्म लेकर के 16-17 साल की उम्र में, एक साथी ने मुझे शायद पूछा कि आप जीबी पंत में पढ़े, मैं वहां पढ़ ही रहा था आप ही ने, तो वहां मानवर काशीराम साहब ने हमें डोनेट कराया 1987 में कि समाज के लिए आप डोनेट कर दीजिए। दो व्यक्ति अभी जिंदा हैं, बाबू रामाधीन उरई और प्रेम नारायण सचान कानपुर से, वो दोनों घर गए। घर में हमारे माता पिता को रजामंद किया कि ये बेटा आपके समाज के काम का, इसको डोनेट कर दो। कांशीराम साहब ने भेजा। 1 बजे
और परिवार में मैं जमा पूंजी वही पहला व्यक्ति जो स्कूल जा सका, उसके मुझसे पहले मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ कोई स्कूल नहीं जा सके। क्या कारण है वो आप सभी जानते हैं, मैं समझता हूँ नौजवान भी जान गए। जो नौजवान कम से कम यहाँ बैठे हैं वो तो मैं ऐसा भरोसा मान के चल रहा हूँ कि वो सब कारणों को जानते हैं। तो उतनी उम्र से हम पूर्णकालिक कार्यकर्ता होकर के काम किए, तो उनसे सीखा हमने कि अगर एक वोट बेचना बहन बेटी की इज्जत बेचना है, जो वोट बेचे सब जो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे, इस विचारधारा का प्रचार प्रसार गांव गांव जब हम लोगों ने किया, मोहल्ला कमेटी बनाई, भाई रवि गौतम जैसे जोशीले नौजवानों को हम लोगों ने अपने इलाके में तैयार किया कि जो हमारे वोट की कीमत लगाने आए, दारू की बोतल लेकर के आए, नोट बांटने आए, ये साथियों आपकी जिम्मेदारी है, डंडे लेके खड़े हो जाओ, कोपड़ा फाड़ दो उनका। और हमारे नौजवानों ने ऐसा किया और बहुत जगह करना नहीं पड़ा, दो चार जगह ही करा और हवा फैल गई कि अब तो ठुपाई हो रही है वोट खरीदने पर, हमारा वोट बिकने से रुका। बहुजन समाज कुछ लोगों ने, मानवर कांशीराम साहब ने जब बातें बागसेठ के दौरान ये रखी, DS4 के जमाने में रखी कि हमारे एक्चुअल डेलीगेट जीत के नहीं जा रहे। अभी यहाँ पर कुछ साथियों ने बहुत पीड़ादायक बातें रखी हैं, उनकी पीड़ा हमारी अपनी पीड़ा, समाज की पीड़ा है कि हमारे जो 131 MP हाउस ऑफ पीपुल्स में लोकसभा में बैठे हुए हैं वो हमारे लिए आवाज नहीं उठाते हैं। यूपी के विधानसभा में जो 85 MLA बैठे हुए हैं वो हमारे लिए आवाज नहीं उठाते हैं। मेरे भाई वो आपके हैं कहाँ, ये आपकी भूल है अगर आप उनको अपना मान रहे हैं, वो आपके द्वारा इलेक्टेड भी नहीं है। चूंकि उनको दिमाग में है कि जो रेबेलियस वोट है, जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, विद्रोही वोट है, वो तो उनके खाते में जाता ही नहीं है, पर जो यथास्थितिवादी वोट है, शोषणकारी शक्तियों का वोट है, वो आपके वोट से ज्यादा है। क्योंकि आप तो 30% है मैक्सिमम सोसाइटी में, अगर OBC को जोड़ते हैं तब आप जाके 85% होते हैं। इसलिए जब ये पीड़ा मानवर कांशीराम साहब के को भी महसूस हुई कि हमारे एक्चुअल डेलीगेट नहीं जीत रहे हैं, तो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि फिर हमें सेपरेट इलेक्ट्रोल को लाना चाहिए। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जब अंग्रेजों के रहते हुए हम सेपरेट इलेक्ट्रोल को नहीं बचा सके, तो इन बेईमानों के रहते हुए आप सेपरेट इलेक्ट्रोल को कैसे ला सकते हैं, दोबारा कैसे ला सकते हैं। पर हमारे रास्ते सब क्लोज नहीं हो गए, सब बंद नहीं हो गए, इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने एक नया रास्ता खोला। और मैं कहना चाहता हूं मजबूती से कि वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अवसर नहीं था, वो रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं खोल सके। समाज हमारा सोया हुआ था, पिछड़े वर्ग के लिए जो छत्रपति साहू महाराजा मरने से पहले जेरे और जामालकर को ये ड्यूटी लगा के गए कि आपको अम्बेडकर को सपोर्ट करना है और अम्बेडकर की मूवमेंट को सपोर्ट करना है, जेरे और जामालकर दोनों को कांग्रेस पार्टी ने खरीद के अपने साथ मिला लिया और जेरे और जामालकर से ही प्रचार कराया कि डॉक्टर अम्बेडकर तो महान है, आप लोग क्यों उसको साथ देंगे, वो तो अछूत है, आप उसके आंदोलन के साथ जाओगे तो आप भी अछूत हो जाओगे। और फिर आप जानते हैं कि दुश्मनों के द्वारा किस कूटनीति के तहत सरदार पटेल को उभारा गया, वो सब रणनीति के हिस्से हैं, उस जमाने की रणनीति के हिस्से हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज की दिशा में चाह करके भी आगे नहीं बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिशा में कोशिश नहीं किया, कोशिश बहुत हुई पर हालात नहीं, वातावरण नहीं था, सोया हुआ समाज था। पर मानवर कांशीराम साहब ने अंधेरे में टॉर्च दिखाई और जो उनकी पुस्तक है, और एक ही किताब वो लिख सके, बहुत किताबें वो लिख नहीं सके,
बाकी तो हमने अकेला जी से निवेदन किया कि आप मेहनत करो, हम लोग को संसाधन जुटाते हैं, और उनके स्पीचेस को जो बोलते रहे भाषण देते रहे हैं उन पे मार्गदर्शन है, उन पे रास्ते बताए गए हैं, उसको उनके स्पीचेस को संकलित किया जाए, उनके भाषणों का संकलन किया जाए और उनको प्रिंट कराया जाए। तो पिछले 10 साल से अकेला जी ये काम बखूबी कर रहे हैं। पर मैं अकेला जी से कहना चाहता हूँ कि आप साहित्यकार हैं, नेता नहीं है आप, तो साहित्य के अंदाज में बातें होनी चाहिए, नेता के अंदाज में बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपके वाणी से साहित्य झलकना चाहिए। आपने उस दिशा में काम किया, वो गुरुतर दायित्व तो आपके ऊपर है। तो मानवा काशियान साहब ने अंधेरे में रोशनी जलाई कि हमारे से एक्चुअल डेलीगेट जीत के जा सके, रियल रिप्रेजेंटेटिव जीत के जा सके। तो सारे रास्ते बंद नहीं हो गए हैं, एक रास्ता मैं खोलता हूँ कि हमें पिछड़े वर्ग को साथ लाना होगा, बहुजन समाज बनाना होगा। बहुजन समाज बना लेते हैं तो हमारा असली नायक जीत के जाएगा, एक भी चमचा और गुलाम जीत के नहीं जा पाएगा। दत्तू प्रसाद एक बंधुआ मजदूर का बेटा रिजर्व सीट से 3-3 बार जीत करके झंडा बुलंद करने का काम हमने किया, उदाहरण साक्षात करा। और अकेले नहीं, अपने बुंदेलखंड से हमने 21 में से 15 लोग जीता के लाए और हर वैरायटी के लाए। वह समझता हूं कि बुंदेलखंड ने जो काम किया है वो पश्चिम में नहीं हो सका, उस दौर में बाद में हुआ। पर जो वैरायटी लीडरशिप मोस्ट बैकवर्ड जातियों की बुंदेलखंड से रेंज लाने का काम हम लोगों ने किया, मानवर काशीराम के निर्देशन में कुम्हार को भी विधायक जीता के लाए, गड़रिया को भी विधायक जीता के लाए, केवट मल्लाय को भी विधायक जीता के लाए। बगल में मध्य प्रदेश पड़ता है तो वहां गए, वहां जाकर के बारी बिरादरी जिसके हमारे शायद आप जानते हो या न जानते हो, इधर बारी होता है कि नहीं, तो बारी बिरादरी जिसको समाज व्यवस्था ने जिम्मेदारी लगाई कि हम खाएंगे पत्तल में पंगत लगा करके और तुम हमारी पत्तल को उठा करके फेंकना बाहर भूरे में ले जा करके, वो बारी हमारा कार्यकर्ता था, 8वीं पास था। और 1993 में चित्रकूट विधानसभा भोपाल से जिता करके बारी जिसके वोट एक विधानसभा में मुश्किल से 1000, पर जब बहुजन समाज बना तो 1000 वोट वाला बारी भी जीत करके भोपाल की विधानसभा में जीत के गया। रैकवारों की बड़ी आबादी टीकमगढ़ छतरपुर में, ढीमा वो उसको उनको भी कोशिश हुई, वो हम लोग कामयाब नहीं हो सके। कुशवाहा के ले हम लोग 3-3 MLA बुंदेलखंड से, कुशवाहा बिरादरी के, कुर्मी लोधी तेली बिरादरी का भी, झांसी से विधायक जिताने का काम एक बैराइटी लीडर से, और मुस्लिम भी जो कभी नहीं जीते थे बुंदेलखंड से, कभी नहीं मुस्लिम जीते विधायक, पर बुंदेलखंड से हम लोगों ने लाने का काम किया। तो बहुजन समाज में वो शक्ति है, मैंने इतना स्पष्ट करके समय थोड़ा मैंने ज्यादा लिया, वो बहुजन समाज बना तो जीरो बैलेंस पर बहन मायावती को भी बिजनौर से सांसद जिताने में कामयाब हुए, जीरो बैलेंस। बहन मायावती के पास डिपॉजिट जमा करने के लिए पैसे नहीं थे तो जीरो बैलेंस पे तो आज करोड़ की आवश्यकता कैसे पड़ गई। और इसलिए और उसी के कारण तो हमारा नुकसान हुआ है, उसी के कारण तो हम गर्त में गए। आप देखें अगर अपना डायनामिक्स, हमारा राइटिंग का अगर ग्राफिक बनता है तो 1970 से मानवर काशीराम साहब ने मूवमेंट को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया, कॉन्सेप्ट बना जरूर 1978 में, पर 1970 में उनका कॉन्सेप्ट उनके सामने आ गया। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य है कि जिस कौम की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। नॉन पॉलिटिकल रूट्स का होना जरूरी है, लक्ष्य है
राजनीति को कामयाब बनाना। ठीक, वो क्यों कि जब 1930 में प्रथम गोलमेज सभा में बाबा साहब अंबेडकर गए तो कांग्रेस पार्टी ने उसका बायकॉट कर दिया। कांग्रेस पार्टी गई नहीं, ब्राह्मणवादी नेता गए नहीं वहां, तो बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी गैरहाजिरी में डेमोक्रेसी को पुरस्कृत कर दिया। और बड़े तार्किक ढंग से नौजवानों से मैं कहूंगा कि उनके 1930 के गोलमेज सभा लंदन का एक एक शब्द उनका पढ़ने लायक है। आंखा गारा, अंग्रेज तो ले गए थे बाबा साहब अंबेडकर को डेलीगेट अपना नॉमिनेट करके कि ये हमारे प्रशस्ति में हमारे तारीफ के पुल बांधेगा, पर बाबा साहब अंबेडकर ने वो खरी खरी उनको सुनाई, नारायण कह दिया कि तुम इसी योग्य नहीं हो कि हमारा उत्थान कर सको, इसलिए हमारा तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, आप कृपा करके आप जाइए देश छोड़ करके, पर भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई जनता के लिए काम करने वाली जनता की सरकार आने दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा 1930 में कहा। अब आपका अपने दुश्मनों की मानसिकता का जरा इमेजिन करो, कल्पना करो कि उनके दिलों में क्या बीती होगी, भारत के अखबारों में छपा होगा और छपा और कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र पुरस्कृत कर दिया। हमारी आबादी कुल 3.5% है, क्योंकि 1931 की जो जाति आधारित जनगणना है 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना समाप्त हो गई, तो 1931 की जाति आधारित जनगणना है तो उसमें ब्राह्मण की आबादी राष्ट्रीय स्तर पे 3.5% है। अब 3.5% आबादी वाले लोग सोचा कि हम हुक्मरान कैसे रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली अच्छी है और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अच्छी नहीं है, और 1931 में बिना बुलाए लोग थे और जाके अपोच किया। गांधी और नेहरू के बयान दर्ज हैं कि लोकतंत्र का विरोध किया, जब विरोध उनका कामयाब नहीं हुआ तो कटौती प्रस्ताव लिया है कि ठीक है लोकतंत्र नहीं मान रहे आप चलेगा, पर वोट वही डाले जो समझदार और अनपढ़ आदमी को बैलेट पेपर दे देंगे तो वो नाले में फेंक आए, मिडिल पास हो, सरकार को टैक्स देता हो, जमींदार हो, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, आगे वो भी कामयाब नहीं हो सका, उसको बाबा साहब अंबेडकर के विद्वतापूर्ण तरीके से उसको काट दिया और बालिक मताधिकार को राष्ट्रीय स्तर में देश भर में स्वीकार किया गया। अंग्रेजों ने इस बात को सहमत दिया कि बालिक मताधिकार है। 1935 के जो सेकेंड इंडिया एक्ट है उस सेकेंड इंडिया एक्ट में सबको ये स्वीकार कर लिया गया। अब उनको क्या नीति होगी, वो आए और पंचायत किए होंगे कि भाई अब तो हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी, सत्ता में नियंत्रण भी नहीं रहेगा, तो उनके कुछ लोगों ने कहा होगा अरे काहे परेशान हो रहे हो, अरे हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री हुकूमत के मालिक तो कौन बनेगा, अरे चमरुआ बनेंगे, एक काची कुमार बनेंगे, गडरिया बनेंगे, अरे ये कोई नहीं बनेंगे हम ही बनेंगे। तभी उनमें से कुछ अकलमंद लोगों ने कहा कि नहीं, एक खतरा तो है, बरकरार है खतरा, ये चमार कोरी काची कुमार गडरिया तो नहीं बनेंगे, जाट भी नहीं बन पाएंगे, परंतु तुर्क बन जाएंगे, ये जो मुसलमान हैं इनकी आबादी अकेले अपने दम पर 25% के ऊपर है और ये रेबेलियस है, इनमें जो रेबेलियस थे वही मुसलमान हुए जो इंतखाब भाई ने अभी शुरू में कहा कि हम 500 साल पुराने चमार हैं। हमारी दिली चाहत है कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों के हाथ से आवाज आए, हम तो कही रहे हैं कि मुसलमान कोई विदेशी नहीं है, मुसलमान भारत का मूल निवासी है, पर मुसलमानों की तरफ से भी ध्वनिमत से ये बात आए कि हम भारत के सूत्र हैं, दलित पिछड़े आदिवासी सब भाईचारा, मुसलमान 0.001% ठाकुरों ने धर्म परिवर्तन किया होगा, ब्राह्मणों ने तो वो भी नहीं किया, क्यों करेंगे वो धर्म परिवर्तन, उनको आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि नुकसान है धर्म परिवर्तन करने से, वो उच्चता से समानता पे चले जाते हैं इस्लाम में जाकर, तो वो किया पर उनको खतरा था कि हम मुसलमान हो जाएंगे,
सत्ता के मालिक। तो मैं समझता हूं जो मुझे मानव कांसीराम के विचारों की रोशनी में नजर आता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो खतरा भी टाल देते, भारत के दो टुकड़े कर देते और मुस्लिम आबादी को दो फाड़ कर देते, बड़ी आबादी को पाकिस्तान में। और इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान को बनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बनाया, गांधी और नेहरू ने बनाया। ब्राह्मणी निजाम स्थापित करने के लिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ और व्यवस्था की गई कि जो मुसलमान जहां जाए सरकार व्यवस्था करेगी और चली जाए। कोई खतरा दूर दूर का 40 सालों तक नहीं रहा। 1980 में मानव काशीराम ने एक नई चुनौती पेश कर दी। उन्होंने जो देखा कि जो ऑल इंडिया प्रेजेंस है जिस बिरादरी की सर्वव्यापी है और हर सूबे में हर गांव में है, पर उसकी दो बड़ी खामियां सोशियोलॉजी बहुत उसकी बिलो है, साइकोलॉजी बहुत खराब है। बड़ा से बड़ा अफसर बना दीजिए तो वो कुर्सी में बैठेगा नहीं, तो किनारे में ऊपर बैठेगा। साइकोलॉजी बहुत खराब है, मनोदशा खराब है, सामाजिक दशा उसकी बिल्कुल बाटर में बैठने की है, स्टेटस बहुत मजबूत है, अकेले अपने दम पर 13-14% है। पर याद रखिएगा, तुम 14% 100% भी इकट्ठे हो जाओ तो भी तुम अपना एमएलए और पार्लियामेंट नहीं जिता सकते।